we are at Lahore Fort, and as we all know that Lahore Fort has a history of hundreds of years old, and some people say that Lahore Fort has 1,000 years of history. Many of us has visited Lahore Fort, but how many of us has an opportunity to go beneath the top floor of the Lahore Fort? And this is the Sarur Palace, which is inside the Lahore Fort, and this is the second story of the Lahore Fort, and very few of us has privilege to go inside. Let's go and see what is inside, and I'm sure that lots of surprises we will have here, inshallah. So let's start our today's journey. Wow, यहाँ पे तो दुनिया ही कुछ और है. यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं, चूंकि ये इलाका जो है ये बंद होता है फॉर द टूरिस्ट, बट वी आर वेरी प्रिविलेज, और हमारे साथ देखने वाले भी आप भी बहुत लकी हैं कि यू आर सीइंग दिस प्लेस, जो कि आम तौर पर लोगों के लिए बंद होती है, और ये बहुत कम खुलती है, या इसको खोलने के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती है. और आज हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और वॉल्ट सिटी अथॉरिटी के मशहूर हैं कि दे अलाउड अस टू गो इनसाइड दैट सरूर पैलेस. और इसको कहते हैं सरूर पैलेस बिकॉज ये बादशाहों की और जो उमरा की जो यहाँ पे रहे हैं उनकी ख्वाबगाहें थी ये. तो लेट मी शो यू द प्लेस. शाही किले में आने वाले अक्सर लोग ये सवाल पूछते थे, और जहन में सवाल उभरता भी था कि बादशाह और उनके जो हरम के लोग थे, उनकी जो मलका और शहजादियाँ और शहजादे होते थे, वो शब बसरी कहाँ करते थे. बिकॉज अगर आप देखें शाही किले में सब जगह जाएं तो वो सब वो ओपन स्पेसेस हैं, वहाँ पे कोई सोने का इंतज़ाम नज़र यानी कि उसके होने के इम्कान कम हैं. बट दिस सरूर पैलेस डाउन inside the किला was the place where kings, queens, his queens and the other family member, they used to rest. And the special thing about that Sarur Palace was कि it was warmer in winters when there is chilling weather outside in Lahore. Sometime it reaches to it reached to 0 Celsius, and when in summer when it is extremely hot, then this place was a bit cooler because it was built in such a manner ke yahan pe taza hawa aati rahe, and river Ravi was at that side, and we will show you the windows, narrow windows where the fresh air was coming, and see sunlight is coming from the above story. They all have the improvisation of passing of the fresh air inside the Sarur Palace. So let's explore more. Another passage to go down, more down inside the Qila. This is a new excavation, and we are showing you first time on any vlog that this is the passage to go further down inside the Lahore Fort, and God knows how many stories are beneath where we are standing. Lahore Fort is full of mysteries and lots of interesting places which are still to be explored. So let's see, और मैं अब आपको रास्ता दिखाऊंगा जो कि सरूर पैलेस से ऊपर जा रहा है. ऊपर इसके ऊपर बिल्कुल शीश महल है जहाँ पे बादशाह अपना दरबार लगाते थे, और उनका वहाँ पे बैठ के वो दे डू देयर वर्क, दे इंजॉय देयर सॉल्टिट्यूड, दे इंजॉय म्यूजिक, डांस एंड अदर एक्टिविटीज विच आर रिक्रिएशन. सो लेट मी शो यू, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऊपर जो यहाँ से जो रास्ता जा रहा है शीश महल के लिए. ये देखें, ये दो रास्ते हैं,
और बिलीव यू मी, किसी ज़माने में शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगज़ेब और ये जितने भी बादशाह, फिर औरंगज़ेब के बाद कितने बादशाह, फलक शेर और आई मीन लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो जब तक ये मुग़लों के पास ये किला रहा, तो दे यूज़ टू यूज़ दिस प्लेस, दिस स्टेट्स टू गो अपसाइड। फिर मुग़लों के बाद सिख रंजीत सिंह यूज़ टू लिव इनसाइड द किला। तो ये इसी रास्ते से, एक ये रास्ता यहाँ पे बना हुआ है जो ऊपर जा रहा है, और दूसरा ये भी है, ये ऊपर, अब ये बंद हुआ हुआ है, हम ऊपर जा नहीं सकते बिकॉज अबव दे हैव क्लोज द डोर्स, बट ये बादशाहों की, ये दैट वॉज द स्टेट्स फॉर किंग्स एंड द रूलर्स टू यूज टू गो अपसाइड टू द शीश महल। Be surprised to know the fact, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि if you see that hall, तो what happened was कि यहां पे ना इनके चारों corners पे they used to be guards sitting and उनका जो चेहरा होता था वो यूं होता था, मैं आपको दिखाता हूं, वो यूं खड़े होते थे यूं, और उन्होंने जब आपस में एक दूसरे से बात करनी होती थी तो वो चूंकि बादशाह या मलका या शहजादी जो भी होती थी वो सेंटर में उनका बिस्तरा या उनका वो ख्वाबगाह की जो लवाजमत होते थे वो सेंटर में होते थे, एंड दे यूज टू स्टैंड लाइक दिस। तो वो क्या करते थे, वो इनके क्यूस्टिक ऐसे बने हुए कि अगर वो यहाँ से यूँ बात करते थे तो उस कोने में खड़ा, वो कोना दिखाएं, उस कोने में खड़ा जो गार्ड होता था वो सुन सकता था, और इस तरफ ये चार तरफ गार्ड खड़े होते थे, तो आपस में ये जो इन्होंने बात करनी होती थी वो यहाँ पे इनको आवाज़ नहीं आती थी, बादशाह को, मलका को या रॉयल पर्सनैलिटी जो भी होती थी वो सिर्फ गार्ड सुन सकते थे। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, कभी अगर आपको मौका मिले सरूर पैलेस में आने का, विच इज़ डाउन इनसाइड द लाहौर फोर्ट, तो आपको ये तजुर्बा कीजिएगा कि वन पर्सन वुड स्टैंड हेयर और दूसरा बंदा वहाँ पर खड़ा हो जाए। तो वो जब यहाँ से वो जब विस्पर करता था तो विस्पर की आवाज़ भी जैसे टेलीफोन की या मोबाइल की आवाज़ की तरह बगैर किसी कोई सॉलिड कनेक्शन के बगैर वो थ्रू, आप ये देखें यहाँ से आके, तो वो यहाँ से टकराती हुई इधर से, ये इधर से होती हुई और वो सारी वहाँ से होती हुई, और फिर वो उस कोने तक जो वो बंदा खड़ा होता था दूसरा गार्ड, वहाँ तक वो पहुँचती थी। It was the Sarur Palace inside Lahore Fort, and I am sure कि आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमने बड़ी मेहनत की, इसे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है और आपको वो जगहें दिखाई हैं जो कि आपको आमतौर पर देखने से महरूम रह जाती हैं। फ्रेंड्स, my friends who are from abroad and they haven't visited Lahore, you should come to Lahore and try to go inside that Sarur Palace. You have to get permission from the Walled City Authority who are the running the affairs of the Lahore Fort, and you should go and visit the Sarur Palace, and I'm sure that would be the memorable visit of your lifetime, inshallah.